हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले विजय महर के ड्रेसिंग के बारे में। वो नए नए कपड़े पहनता है और उसको ब्रांड जो है उसको नए नए कपड़े देती है। तो फ्रेंड, हम भी अपने कपड़ों में नई नई डिज़ाइन कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले एक अपने पास व्हाइट शर्ट या एक व्हाइट टी शर्ट होनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। आपके अपने पास व्हाइट शर्ट नहीं है तो आप बाय कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो एक व्हाइट शर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो हम आज करने वाले व्हाइट शर्ट में एडिटिंग। तो व्हाइट शर्ट है उसमें हम कई डिज़ाइन डालने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें हम कितनी कितनी जो है वो डिज़ाइन डाल सकते हो। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह से मैं डिज़ाइन डालने वाला हूँ। तो फ्रेंड, दिखा देता हूँ फ्रेंड। एक ए डिज़ाइन डालूंगा, उसके बाद ए डिज़ाइन, उसके बाद ए और उसके बाद ए। तो फ्रेंड, इनमें से कोई एक में आपको डिज़ाइन डाल के बताने वाला हूँ फ्रेंड। सारी डिज़ाइन डाल के बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड, इनमें से कोई मैं एक डिज़ाइन आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कमाल की वीडियो। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले अपने व्हाइट कलर वाला सिंपल फोटो को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर शेयर वाले आइकन में जाके यहाँ पर नेक्स्ट करके अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, देख सकते हो हमारा फोटो पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ चुका है फ्रेंड। उसके बाद आपको सबसे पहले जाने एड फोटो वाले आइकॉन में, ठीक है फ्रेंड। एड फोटो वाले आइकॉन में जाके यहाँ पर से आपको कोई भी एक जो पैटर्न है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं ए वाली पैटर्न को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, इसको आपको सबसे पहले जो नीचे टेक्स्ट इसको क्रॉप करना है, इसलिए हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद राइट कर देना है, उसके बाद इसकी साइज को आपको बढ़ा लेना है फ्रेंड। अपने व्हाइट शर्ट जो है उसको टप जाए इस तरह से आपको बढ़ा लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर ब्लेंड वाले टूल में, ठीक है फ्रेंड। ब्लेंड वाले टूल में जाके आप मल्टीप्लाई या डार्कन कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर से आप मल्टीप्लाई या डार्कन करने के बाद आपको जो उसका पार्ट बाहर दिख रहा है उसको रिमूव कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर से आपको जाना है इरेजर वाले टूल में जाके आपको रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड, मैं फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो मैंने अपने शर्ट के बाहर का पार्ट जो सारा रिमूव कर लिया है, और अपने कॉर्नर है उसको भी आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको यहाँ पर से राइट कर देना है, उसके बाद फिर से एक बार राइट कर देना है। तो फ्रेंड, हमारा जो एडिटिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है। अपने जो शर्ट है उसमें डिज़ाइन आ चुके। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ इसको कहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, ठीक है फ्रेंड। ये स्पेलिंग आपको लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर से आपको ढेर सारी पैटर्न आपको मिल जाएंगे, जो फ्रेंड कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।